सारंगपुर में गिरफ्तार हुए पटाखा फैक्ट्री के दो मालिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। मंगलवार सुबह धमाके के साथ ही फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में सैकड़ों लोग काम कर रहे थे। इस मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल और उसके भाई को भगाने के दौरान राजगढ़ जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों को देर रात तक थाने में बैठाया रखा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में मगरदा रोड किनारे बनी पटाखा फैक्ट्री मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के आसपास कई घरों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग में झुलसने के कारण अभी तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। इस मामले में पटाखा फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल और उसके भाई को भगाने के दौरान राजगढ़ जिले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों को देर रात तक थाने में बैठाया रखा था। धमाके के बाद फैक्ट्री के मालिक मौका पाकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा आरोपित की तलाश की गई है। इस दौरान राजगढ़ जिले की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि आरोपित राजगढ़ जिले से होकर निकलने वाले हैं। पुलिस ने सारंगपुर में एक कार को संदेह के आधार पर रोका, जिसमें से फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल व उसके भाई सोमेश अग्रवाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। हादसे के बाद हरदा से भागकर सबसे पहले आरोपी उज्जैन की ओर निकले, वहां से फिर नेशनल हाईवे के रास्ते से होकर वो दिल्ली की ओर जा रहे थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले हाईवे में वह कार के जरिए दिल्ली की ओर निकले। पुलिस ने सारंगपुर के करीब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि धमाके के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा है कि इस मामले पर हमारी सरकार ऐसी कार्रवाई करेगी जो उनको दोषियों को भी याद रहे। मुख्यमंत्री मंगलवार देर शाम घायलों का कुशलक्षेम पूछने के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। जब फैक्ट्री में धमाका हुआ था तो उस दौरान 500 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि न्यायालय में सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट को भी कोर्ट छोड़कर बाहर निकाले गए। बचाव अभियान के लिए सेना की मदद भी ली गई। धमाके को लेकर एक चश्मदीद ने जानकारी दी है कि धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फटने का डर लगने लगा था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख किस बात की, आज ही संपर्क करें 8821000717।